और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शारजा शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार यही मांग की जा रही थी कि आखिर शारजा शेख कहाँ है, कयास लगाए जा रहे थे कि वो बांग्लादेश भाग गए, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली मामले में लगातार शारजा शेख फरार चल रहे थे। ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा था, टीएमसी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शारजा शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता हुआ नजर आया। वहां की महिलाएं, वहां की जो बच्चियां हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि किस तरीके से शारजा शेख और उसके जो गुर्गे वहां पर थे, किस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे थे। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन के जरिए ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है। आशिका, शारजा शेख की गिरफ्तारी? बिल्कुल, इस समय की सबसे बड़ी खबर संदेश खाली का जो खलनायक शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मिनाखा इलाका है जो कि संदेश खाली से ही सटा हुआ है, वहां से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं, उसके एक दिन पहले ठीक आज सुबह सुबह शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। इस बारे में संभव है कि पश्चिम बंगाल के डीजी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जानकारी दे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, शेख शाहजहां उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको ये भी याद दिला दें कि टीएमसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कोर्ट में हाथ बांध रखे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से जब कड़ी टिप्पणी आई, उसके बाद टीएमसी ने ये दावा किया था कि 7 दिन के भीतर शेख शाहजहां गिरफ्तार हो जाएगा। और वही तस्वीर कल शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये दावा किया था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ डील हो गई है। और इसके बाद न्यूज 18 इंडिया पर देखिए, सबसे पहले हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सुबह तड़के मिनाखा से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोलकाता ले आया जा रहा है फिलहाल, ये जानकारी। बिल्कुल, और आशिका, जिस तरीके से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि टीएमसी संरक्षण दे रही है, ये जो डील की बात निकल कर आ रही है, क्या डील हुई है और जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से अब तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी तुरंत न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई कि संदेश खाली का जो खलनायक है, जो बेटा बादशाह जिसे कहा जाता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। धीरे धीरे करके पॉलिटिकल रिएक्शन उस पर आना शुरू होंगे। उसके पहले संभव है कि राज्य के जो डीजी है राजीव कुमार, वो इसकी घोषणा करें और भी डिटेल्स बताएं। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि रिएक्शन की बात करें, कल ही शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि डील हो चुकी है, जबकि इसके जवाब में टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि शेख शाहजहां कहाँ है तो बता दें, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी जाकर के। लेकिन आज गिरफ्तारी अब हो चुकी है शेख शाहजहां, जो कि पिछले कई दिनों से सबसे बड़ा नाम जो उभर करके संदेश खाली का आ रहा था। संदेश खाली की महिलाएं टेलीविजन के कैमरों के सामने आकर के रोकर अपनी आप बीती सुना रही थी, अत्याचार की कहानियां सुना रही थी। न्यूज 18 इंडिया ने पल पल की जानकारी दी इस पूरे घटनाक्रम पे। अब ये खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर ही, शेख शाहजहां, संदेश खाली का जो मास्टरमाइंड ईडी की टीम पर हमले का भी, न सिर्फ महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार हुए हैं। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि 5 जनवरी को ईडी की टीम जब उसके घर पे छापेमारी करने के लिए गई थी तो ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था। कम से कम 3 अधिकारी ईडी के बुरी तरह जख्मी हुए थे। उस मामले में भी वो तब से फरार था और करीब 55 दिन के बाद शेख शाहजहां आज पुलिस के हाथे चढ़ा है। इसके पहले टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन कोर्ट ने जब साफ कर दिया कि ऐसी कोई भी रोक कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है, तब टीएमसी की तरफ से ये दावा होता है कि 7 दिन के भीतर शेख शाहजहां गिरफ्तार हो जाएगा। और अभी लगभग 3 दिन ही बीते हैं इस दावे को और शाहजहां की गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें कि इसके पहले शाहजहां के 2 गुर्गे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उत्तम सरदार और टीबू हाजरा। लेकिन उसके बाद भी शेख शाहजहां देखे उसी इलाके में घूम रहा था, इसका मतलब ये साफ है कि गिरफ्तारी अगर मिनाखा इलाके से हुई है तो वो उसी इलाके में घूम रहा था और अब उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आशिका, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं जहां से शारजा शेख की गिरफ्तारी हुई है, ये संदेश खाली के आसपास ही पड़ता है, यानी कि 24 परगना में ही?
बिल्कुल बिल्कुल, और फिलहाल संभव है कि उसको बसीरहाट थाने भी ले जाया जाए। मिलाखा वही क्षेत्र है, बिल्कुल बगल का क्षेत्र है जहां श्री शाहजहां का घर है। संदेश खाली में अकुंजीपाड़ा इलाका है जहां पर शेख शाहजहां का घर है, उसके बिल्कुल ठीक पास। आप कलकत्ता से अगर आगे बढ़े संदेश खाली की तरफ तो रास्ते में पहले मिनाखा आता है, उसके ठीक लगा हुआ संदेश खाली है, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी खबर इस समय की यही कि संदेश खाली जो कि पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम देश भर में जो है मशहूर हो गया, और कारण भले ही उसके जो है कि वो बहुत दुखद थे, लेकिन अब उसका जो मास्टरमाइंड वो अपने अंजाम तक पहुंचा है। देखिए शेख शाहजहां उसकी गिरफ्तारी ये सबसे बड़ी खबर इस समय की। वो महिलाएं जिनकी कहानी हमने न्यूज 18 इंडिया के पर्दे पर दिखाई थी, जो रोते हुए हमसे ये कह रही थी कि हमें डर लग रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी गिरफ्तारी हो जाए, जब तक शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होती है हम तब तक अपना ये आंदोलन चलाए रखेंगे, तो अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी ये सबसे बड़ी खबर इस समय की है जो हम न्यूज 18 इंडिया पर लगातार बता रहे हैं। और हर एक तस्वीर संदेश खाली की, वो महिलाएं जो पहले चेहरा छुपा करके बात कर रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान आता है। आशिका, जैसी जानकारी आप दे रही हैं कि उत्तर 24 परगना का इलाका ही है ये, और इस वही इलाका है जहां पर इसका रसूख चलता था, लेकिन क्या ये आपको बात हैरानी वाली नहीं लग रही है कि इतने दिनों तक ये लुका छुपी खेलता रहा, जब कोर्ट ने इतना बड़ा हस्तक्षेप किया, इतनी तीखी टिप्पणी की, तब जाकर ये सरकार को और पुलिस को याद आया कि ऐसे गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, इसे लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन इसे टीएमसी लगातार ये कहती रही है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हमने शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी, एक एसआईटी का गठन हुआ था जिस पर रोक लगाई गई थी। हालांकि उसके बाद टीएमसी का, देखिए ये बड़ा दावा, जब विरोधियों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर क्या ये जानते हैं टीएमसी के नेता कि कहाँ छुपा है शेख शाहजहां की, वो ये दावा कर रहे हैं कि 7 दिन के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और वो कहते हैं और 7 दिन के भीतर ठीक गिरफ्तारी हो भी जाती है। आशिका, लौटेंगे आपके पास में, बनी रहिए आप हमारे साथ में, क्योंकि बड़ी जानकारी आशिका दे रही है। लेकिन इन सबके बीच में बहुत बड़ी खबर, जो चेहरा आप देख रहे हैं शाहजहां शेख का, ये चेहरा किस तरीके से 8 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंचती है उन पर पथराव करवा देता है, और उसके बाद में 5 फरवरी को ये महिलाएं सामने आती हैं और अपनी हिम्मत दिखाती हैं और ये कहती हैं कि सालों से हम शाहजहां शेख की ये चीजें बर्दाश्त कर रहे थे, वो महिलाओं को अपनी जगह पर ले जाया करता था और उनके साथ यौन शोषण किया करता था। एक दो नहीं, न जाने कितनी महिलाएं थी जो इसकी अत्याचार की चपेट में आती थी, लेकिन अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। उससे पहले राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, टीएमसी लगातार कहती रही कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला तो हम इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि आरोप लगे हैं तो आपको गिरफ्तारी करनी होगी। और जैसी आशिका जानकारी दे रही हैं कि उत्तर 24 परगना का इलाका, और ये वही इलाका जहां से गिरफ्तारी हुई, आशिका का फिर से रुक कर लेते हैं। आशिका, अब कोशिश होगी जल्दी से जल्दी इसे लाया जाए, कोर्ट लाया जाए, फिर रिमांड ली जाए और पूछा जाए छुपा कहां हुआ था और कितना बड़ा इसका नेक्सस। देखिए बिल्कुल, रिमांड की जो आप बात कर रहे हैं ये सबसे अहम है, क्योंकि पुलिस फिलहाल उसे रिमांड में लेगी, लेकिन ईडी भी उसे अपने रिमांड पर चाहेगी। तो पुलिस रिमांड जब भी उसकी खत्म होगी, चाहे एक मामले में चाहे दो मामले में, उसके बाद संभव है कि ईडी उसे रिमांड पर ले, और तब उसके बाद शेख शाहजहां के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा, क्योंकि ईडी पर हमले का भी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां ही। आपको याद दिला दे, जब ईडी की टीम उसके घर पर पहुंची थी लगभग 27-28 फोन उसे लगातार किए गए थे, टावर लोकेशन ये बता रही थी कि वो घर के भीतर ही है लेकिन बाहर नहीं निकला, और वो बाहर तो नहीं निकला लेकिन अचानक से एक जो है भीड़ आती है करीब 1000 लोगों की, और वो ईडी की टीम पर हमला कर देती है, और ईडी की टीम पर ऐसा हमला, खूनी हमला हुआ जिसमें से 3 ईडी के जो कर्मी है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। आशिका, मुझे लगता है कि तकरीबन 1 महीने का समय हो गया होगा तब जाकर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है, और दूसरा कि अभी तक ये लग रहा है ये सारी गिरफ्तारी देखने के बाद कि ये गिरफ्तारी सिर्फ ऐसी नहीं है कि किसी ने टिप दे दी और इसकी गिरफ्तारी हो गई, अगर ये अपने इलाके में छुपा हुआ था तो निश्चित तौर पर लगभग 55 दिन से ज्यादा बीत चुके ईडी की टीम पर हमले को, और उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दूं कि
इस महीने में भी जब महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया उस घटना को भी करीब 20 दिन तो बीत ही रहे होंगे और इसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद कई बार देखिए एक बार ईडी का जब मामला चल रहा था सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि शेख शाहजहां की तुलना बिन लादेन से की गई थी कि पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और अपनी बातें सामने रख रहा है लेकिन कोर्ट तक भी वो पहुंच गया। कोर्ट ने एक बार अग्रिम जमानत की याचिका तो एक बार उसने ये आवेदन किया कि उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए लेकिन दोनों बार कोर्ट से उसे मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट से कड़ी फटकार उसे मिली। पुलिस की भूमिका पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। पुलिस से ये कहा कि जल्द से जल्द शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए और आज ये तस्वीर जब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और आज सुबह तड़के पुलिस ने उसके ही इलाके से करीब मेनाखा से उसको गिरफ्तार किया है। ये समय की सबसे बड़ी खबर जब शेख शाहजहां संदेश खाली का मास्टरमाइंड, संदेश खाली का खलनायक, आशिका ताज बादशाह गिरफ्तार। चुनाव बहुत दूर नहीं है और अभी तो पीएम की रैली भी होनी थी। अच्छा है कि उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई लेकिन टीएमसी के लिए अभी भी स्थिति ठीक नहीं हुई है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि अगर शाहजहां शेख सामने आएगा तो नाम तो लेगा रिमांड में, ईडी की रिमांड में और इसी के साथ साथ पुलिस की रिमांड में। किसकी शह पर वो इतने दिनों तक छुपा हुआ था? देखिए फिलहाल ये जो इतना समय लिया गया है इस बीच में पूरी घटना के बाद ये 55 दिन का समय ईडी के हमले के बाद और महिलाओं के आंदोलन के बाद भी, ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि संरक्षण उसे कौन दे रहा था। क्योंकि देखिए ना ये कहा जा रहा था कि शेख शाहजहां बांग्लादेश भाग गया हुआ है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया कि नहीं, वो बिल्कुल अपने इलाके में ही छुपा हुआ था, ये निश्चित है क्योंकि पुलिस ने उसे मेनाखा से गिरफ्तार किया है। तो जाहिर है इसे लेकर के सवाल जरूर उठेंगे, विरोधी भी इसे इसको लेकर के सवाल उठाएंगे, लेकिन अब आगे पुलिस को क्या बयान वो देता है ये देखना अहम होगा। साथ ही साथ ये भी कि उसके अलावा जो शेख शाहजहां के साथी दुर्गे हैं और उनकी कितनी भूमिका थी और इसकी कितनी भूमिका थी। फिलहाल टीएमसी की तरफ से देखिए वहां पर कैंप लगा करके लोगों को उनकी जमीनें वापस देने का काम शुरू किया गया है, लेकिन ये घटना कहाँ तक जाती है, शेख शाहजहां का कबूलनामा क्या होता है ये देखना अहम होगा। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि शाहजहां शेख टीएमसी का फरार नेता, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बांग्लादेश भाग गया होगा लेकिन नहीं, वो अपने ही इलाके में छुपा बैठा हुआ था। 55 दिन लगभग हो गए जब ईडी पर उसने पथराव कराया, ये महिलाएं सामने आती और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी होनी है, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले शाहजहां शेख की गिरफ्तारी टीएमसी के लिए वाकई में एक बार वो भी है कि किस तरीके से अब तक शाहजहां शेख छुपा रहा और जो बांग्लादेश में जाने की जिसकी बात होती रही थी वो अपने इलाके में छुपा बैठा था। आशिका का फिर से रुक कर लेते हैं। आशिका ये भी एक बड़ी चीज है कि पीएम की रैली होने वाली है, उससे पहले गिरफ्तारी होना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट लगातार फटकार लगातार आता सरकार को कि आप कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल, पीएम का दौरा पश्चिम बंगाल का कल है, कल रात भी कोलकाता में रुकेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे भी अहम 6 तारीख को एक रैली जो कि उत्तर 24 परगना जिले में ही बारासात में है, जो खास तौर पर एक महिला सभा होगी जहां संदेश खाली की महिलाओं को भी शामिल होना है। और इसके पहले चीफ गिरफ्तारी शेख शाहजहां की कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इसे लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया है पुलिस ने लेकिन आगे उसका कबूलनामा क्या होता है ये देखना जरूरी रहेगा। बिल्कुल, ये देखना जरूरी रहेगा वो किन किन के नाम लेता है और क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो उसको संरक्षण दे रहा था जिसके शह पर वो अब तक 55 दिनों से छुपा हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, ये चेहरा आप ध्यान से देख लीजिए। 55 दिनों पहले इसने ईडी पर पथराव कराया था, उसके बाद महिलाएं सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उत्तर 24 परगना का संदेश खाली इलाका जहां पर महिलाओं को टारगेट करता था, यौन शोषण उनके साथ किया गया था लेकिन जब अंततः हो गई, जब लगा कि आवाज उठानी चाहिए तब महिलाओं ने आवाज उठाई और सामने आती और अब जाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। और हैरानी वाली बात ये कि उसी इलाके से होती है जहां उसका रसूख हनक चला करती थी।